रेडियो दिवस के अवसर पर मैं सभी श्रोताओं को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जब रेडियो ज्वाइन किया था वो 1976 का साल था, और हमने अपने समय में जिन चीज़ों को अपने शिखर पर देखा था उसमें रेडियो ड्रामा था, रेडियो फीचर था, रनिंग कमेंट्री थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो स्पेशल ऑडियंस प्रोग्राम हुआ करते थे उनका बड़ा मशहूर समय था, और उस समय अगर आप देखें तो समूचे हिंदुस्तान में अगर एक दूसरे से संवाद करने का, संपर्क करने का, बातचीत करने का जो अकेला जरिया था वो रेडियो हुआ करता था। और रेडियो ने क्लासिकल म्यूज़िक, लाइट क्लासिकल म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक और ट्राइबल म्यूज़िक, इन ये जो पूरा समय था ये इन कलाओं के उद्भव का समय था और एक तरह से स्वर्णकाल भी था। अगर ये कहा जाए कि रेडियो ने अंततः हमारी विरासत को क्या दिया, तो संगीत में उसका जो अवधान है वो अवधान तो ज़बरदस्त है। और अगर रेडियो नहीं होता तो संगीत का जो विकास आज हम समूचे हिंदुस्तान में देख रहे हैं वो शायद नहीं होता, क्योंकि रेडियो कॉन्सर्ट्स की परंपरा भी हमारी ही परंपरा थी, और बच्चों से लेके बुजुर्गों तक के लिए, यहाँ तक कि जो कोठे में गाने वाली गायिकाएं हुआ करती थी उनके ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाना हो, उन्हें रेडियो पर लाना हो, उनकी दादरा, ठुमरी, चैती, सावन, कजरी, ये जो शास्त्रीय संगीत के फॉर्म थे इनको रेडियो ने एक जगह दी। और जितने भी आज मशहूर विश्व स्तरीय कलाकार हैं उनका संबंध किसी न किसी रूप में रेडियो से रहा, या तो उन्होंने नौकरी की, या उन्होंने कार्यक्रम दिए, या फिर उन्होंने हमारे यहाँ के कॉन्सर्ट्स में भाग लिया। उस ज़माने में तो इनवाइटेड ऑडियंस प्रोग्राम में नाटक भी हुआ करते थे, रेडियो नाटक हुआ करते थे। इसके अलावा फिल्म संगीत में ज़बरदस्त योगदान इस अर्थ में है कि एक ज़माने में बिना का गीतमाला बड़ा मशहूर हुआ करता था, तो ये सोचा गया कि अगर इस जनता को जोड़ना है, उसमें एकता और समरसता लाना है, तो फिल्म संगीत के बगैर संभव नहीं हो सकता। तो विविध भारती की जो सर्विसेज शुरू हुई थी उन्होंने फिल्म जगत को दुनिया से जोड़ा, और जितने भी मशहूर अभिनेता थे, अभिनेत्राएं, अभिनेत्रियां थी या म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो सब के सब फौजी भाइयों के कार्यक्रम में आया करते थे, जिसमें लता मंगेशकर से लेकर तमाम लोगों ने फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो ऐसी अनेक चीज़ें हैं, और कुल मिला के उस दौर को हम कह सकते हैं कि जब इतनी तकनीक का विकास नहीं हुआ था वो ब्रॉडकास्टिंग का स्वर्णकाल था।